फिनॉल। तो फिनॉल प्रिपरेशन के चार मेथड है, अभी देखो चार मेथड। फर्स्ट वन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन डाउस प्रोसेस, सेकंड फर्स्ट में दो है ए एंड बी। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्रिपेयर करना है बट दो प्रोसेस है उसमें, डाउस प्रोसेस और ब्लास्टिंग मेथड। दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तीसरा है क्यूमीन और चौथा है फॉर्मेलिन। फिनॉल प्रिपरेशन के चार मेथड है, वो चार मेथड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम क्यूमीन और चौथा फॉर्मेलिन। तो आज अपन डिस्कशन कर रहे हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन डाउस प्रोसेस। इन दिस मेथड क्लोरोबेंजीन heated with excess of aqueous enamels at 613 Kelvin under pressure of 150 atmosphere to form sodium phenoxide, which are hydrolysis by using diluted Cl or CO2 is passed through the aqueous sodium phenoxide to get phenol. मतलब क्लोरोबेंजीन को एक्सेस एक्वस एनेवल्स के साथ हीट करना है। जब अपन फिनॉल को एक्वस एनेवल्स के साथ हीट करते हैं तो फिनॉक्साइड है फॉर्म होता, और वो सोडियम फिनॉक्साइड को हाइड्रोलाइसिस करना है बाय यूजिंग HCl और CO2 इज पास थ्रू द एक्वस सोडियम फिनॉक्साइड टू गेट फिनॉल। तो इसका रिएक्शन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन डाउस प्रोसेस।
साथ इसको हाइड्रोलाइसिस किए तो क्या फॉर्म होता फिनॉल और एफ, और अगर डायरेक्ट की जगह अपन CO2 लिए तो फिनॉल प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ है, फॉर्म होने के चांसेस है, राइट। ये फ्रॉम क्लोरोबेंजीन डाउस प्रोसेस।